अरे लेकिन डीएल भी होगा मतलब क्या है, ये चार साइंटिस्ट का नाम है जिसने ये थ्योरी को फ्रेम किया। डी का मतलब है डेड जॉब, लैंड लॉ, वेयर वे एंड ओवर वेट, ये चार साइंटिस्ट का नाम है। तो हम देखेंगे थ्योरी बोलती क्या है। इस थ्योरी में बोला जा रहा ये बोला गया है कि अगर दो पार्टिकल्स, जो भी पार्टिकल्स है, सोचो कि कोलाइडल पार्टिकल्स, ओके, अगर दो पार्टिकल्स हैं आपके पास, उस पर चार्ज है और उन दोनों के बीच में डिस्टेंस है, तो क्या होगा अगर चार्ज चेंज किया और डिस्टेंस को चेंज किया तो पार्टिकल्स कैसे बिहेव करेंगे। यहाँ पर चार्ज भी चेंज हो और डिस्टेंस भी चेंज हो रहा है तो पार्टिकल्स कैसे बिहेव करेंगे, उस चीज के बारे में डीएल वेव थ्योरी बोलता है। तो हम देखेंगे क्या है। सोचो कि आप एक ग्राफ लो, सोचो वाई एक्सिस और एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस में आप एनर्जी लो, चेंज इन एनर्जी, एक्स एक्सिस में आप डिस्टेंस बिटवीन पार्टिकल्स, दो पार्टिकल्स के बीच का डिस्टेंस में एक्स एक्सिस में रिप्रेजेंट करूंगा और एनर्जी चेंज को मैं वाई एक्सिस में रिप्रेजेंट करूंगा। तो आप सोचो कि आपके पास दो मैग्नेट है, ओके, एंड ये सोचो कि दो मैग्नेट्स हैं और ये भी नॉर्थ पोल है और ये नॉर्थ पोल है। क्या होगा, आप दोनों नॉर्थ पोल को अगर नजदीक लाओगे क्या होगा, वो दो मैग्नेट रिपेल करना शुरू करेंगे। उस चीज को हम फोर्स ऑफ रिपल्शन को यहाँ रिप्रेजेंट करेंगे। क्या बोल रहे हैं, फोर्स ऑफ रिपल्शन। तो दो मैग्नेट नॉर्थ पोल को तो आप लेके आओगे नजदीक तो ऑब्वियसली वो रिपल्शन होंगे, तो इसको ये चीज यहाँ पर दर्शाया गया है, इस चीज को बोलते हैं फोर्स ऑफ रिपल्शन। अब सेम मैग्नेट अगर आप ऐसे घुमाओगे, नॉर्थ पोल और साउथ पोल को नजदीक लाओगे, क्या होगा, वो ऑब्वियसली अट्रैक्ट करेंगे। तो उस चीज को हम यहाँ कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, एंड इस पीक को बोलेंगे हम, इस ग्राफ को बोलेंगे हम फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। ये हो गया आपका फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, ये हो गया फोर्स ऑफ रिपल्शन। अब हम देखेंगे, सोचो कि मेरे पास दोनों पार्टिकल्स हैं जिन पर कुछ चार्ज है और उन पार्टिकल्स को मैं नजदीक ला रहा हूं। तो यहाँ एक पार्टिकल है आपका और यहाँ एक पार्टिकल है, इन दोनों पार्टिकल को मैं आप नजदीक ला रहा हूं, इनके ऊपर कुछ चार्ज है, तो क्या होगा। तो जनरली क्या होगा, जैसे जैसे आप नजदीक लाओगे क्योंकि उनके ऊपर चार्ज है, वो दोनों को रिपल्शन करने की कोशिश करेंगे और रिपल्शन एकदम ज्यादा होगा, फिर इस पॉइंट के बियॉन्ड आप जाओगे तो रिपल्शन फोर्स कम होगा और अट्रैक्शन फोर्स बढ़ेगा, रिपल्शन कम होगा और अट्रैक्शन बढ़ेगा। तो हो क्या रहा है, तो ये बोलते हैं कि इन दोनों ग्राफ्स को अगर आप ऐड करोगे तो आपको तीसरा ग्राफ आएगा, ये वाला एक कर्व, तीसरा, इन दोनों कर्व्स को आप ऐड करोगे तो आपको तीसरा कर्व आएगा। तो एक कर्व बोलता क्या, एक कर्व ये बोल रहा है कि दो पार्टिकल्स हैं, आप जैसे जैसे इस पार्टिकल्स को नजदीक ला रहे हो तो उनके बीच में रिपल्शन फोर्स बढ़ रहा है, क्योंकि उनके ऊपर चार्ज था, रिपल्शन फोर्स बढ़ रहा है, तो एक पॉइंट पे रिपल्शन ज्यादा होगा, फिर उसके बाद आप और नजदीक लाओगे तो ये अट्रैक्ट हो रहे हैं। तो इसका मतलब क्या है, क्यों अट्रैक्ट क्यों हो रहे हैं नजदीक आने, तो ये तो हमें पता है कि सेम चार्ज है नजदीक आ रहा है तो रिपल्शन होंगे, यहाँ तक ओके नो प्रॉब्लम। इसके बाद अट्रैक्ट क्यों हो रहे हैं, क्योंकि एक डिस्टेंस के बियॉन्ड, एक डिस्टेंस के बियॉन्ड आप पार्टिकल्स को लेके जाते, बहुत नजदीक लेके जाते, तो क्या होगा, उनके सरफेस पे जो एटम्स होंगे उनके ऑर्बिट और जैसे ओवरलैप होंगे। सोचो कि ये दोनों पार्टिकल्स हैं, आप इन पार्टिकल्स को बहुत नजदीक लेके चलेंगे, ओके, तो इन सरफेस, इनके सरफेस पे जो एटम्स हैं वो उनके ऑर्बिट और ओवरलैप होंगे और वो स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बनाएंगे ऐसे, एंड वो हार्ड केक फॉर्म होके नीचे बैठ जाएंगे, उसको हम बोलते हैं प्राइमरी मीनिंग, मतलब अट्रैक्ट, बहुत सारा अट्रैक्शन हो जाएगा, भले ही उनके ऊपर रिपल्शन चार्ज हो लेकिन आप उस पॉइंट के बियॉन्ड लेके गए, इस डिस्टेंस के बियॉन्ड आप लेके गए पार्टिकल को, तो अट्रैक्टिव फोर्सेस बढ़ेंगे, उस चीज को ये ग्राफ बोल रहा है। अब नेक्स्ट हम देखेंगे कि अगर मैं केमिस्ट्री को चेंज करूं, मतलब कुछ इलेक्ट्रोलाइट्स अगर ऐड करूं, दो पार्टिकल्स है उनके ऊपर चार्ज है, थोड़े इलेक्ट्रोलाइट्स ऐड करूंगा तो क्या होगा इन दोनों के बीच में, उस चीज को हम देखेंगे। अब हम देखेंगे कि मैं अगर इलेक्ट्रोलाइट्स को ऐड करूंगा तो क्या होगा, तो दोनों पार्टिकल्स अगर इतने डिस्टेंस में, अगर सोचो कि ये डिस्टेंस पार्टिकल्स का ऐसा घटा तो मैंने इलेक्ट्रोलाइट्स पे ऐड किया तो होगा क्या, सोचो कि यहाँ एक पार्टिकल है और यहाँ एक कोलाइडर पार्टिकल, आप इलेक्ट्रोलाइट्स डालें तो इलेक्ट्रोलाइट्स में ऑब्वियसली आपका पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज होगा, तो एक कंट्रोल वे में इलेक्ट्रोलाइट्स डाल रहे हैं तो इलेक्ट्रोलाइट्स आके ऐसे बैठेंगे,
तो आप एक कंट्रोल वे में इलेक्ट्रोड्स ऐड करेंगे तो इलेक्ट्रोड्स आके इन दोनों पार्टिकल के बीच में बैठेंगे, खुद भी अट्रैक्ट करेंगे और उन दोनों पार्टिकल को भी अट्रैक्ट करेंगे। कि आप बोल सकते हो कैसे अट्रैक्ट है, सोचो कि पार्टिकल ऊपर जो है चार्ज नेगेटिव, तो जो आप इलेक्ट्रोलाइट्स कंट्रोल वे में ऐड करोगे वो इलेक्ट्रोलाइट्स बीच में बैठ के दोनों को अट्रैक्ट करेंगे। आप दोनों को अट्रैक्ट करने की वजह से आप दो इंडिविजुअल पार्टिकल नहीं रहे। अब इस सिस्टम को आप मूव करोगे तो कैसे होगा, सोचो कि दो पार्टिकल्स हैं, आप बीच में इलेक्ट्रोलाइट कंट्रोल फैशन में डाले, जब एक पार्टिकल को मूव करने की कोशिश करोगे मतलब इस सिस्टम को मूव करोगे तो ये साथ में घूमेगा, ऐसे बीच में इलेक्ट्रोलाइट्स हैं और ये दो पार्टिकल्स हैं ये साथ में घूमेगा, इसको बोलते हैं टॉप थ्योरम। इस चीज को बोलते हैं फ्लॉक्यूल्स एग्रीगेट्स। तो ये हुआ आपका फ्लॉक्यूल। फ्लॉक्यूलेशन हमें सस्पेंशन में चाहिए, लेकिन हम कभी नहीं चाहेंगे कि हमारे कोलाइडल पार्टिकल्स फ्लॉक्यूल में कन्वर्ट हो, क्योंकि अगर फ्लॉक्यूल में कन्वर्ट हो गए तो एक ये पूरा सिस्टम का जो डायमीटर है बड़ा हो जाएगा, कोलाइड रेंज के बाहर आ जाएगा, ये कोलाइड नहीं कहलाएंगे। ओके, तो इसको बोलते हैं हम फ्लॉक्यूल्स। ये हमें चाहिए सस्पेंशन में, एंड ये दर्शाता है सेकेंडरी मिनिमम को। तो ये जो फ्लॉक्यूल फॉर्म हो रहा है, जो फ्लॉक्यूल फॉर्म हो रहा है वो दर्शाता है सेकेंडरी मिनिमम। अब सोचो कि मैं इलेक्ट्रोलाइट्स ऐड किया कंट्रोल में, नहीं एक ऐसे सिस्टम में इलेक्ट्रोलाइट्स ऐड किया कि जो भी मैंने इलेक्ट्रोलाइट्स में ऐड कर रहा हूँ वो जाके सरफेस पे अब्जॉर्ब हो रहा है, बस कहीं और नहीं जा रहा है। सोचो कि जो मैं इलेक्ट्रोलाइट ऐड कर रहा हूँ वो सरफेस पे जाके अब्जॉर्ब हो रहा है, तो अब्जॉर्ब होने से वजह से चार्ज बढ़ेगा, सेम इलेक्ट्रोलाइट जाके नेगेटिव चार्ज जाके अब्जॉर्ब हो रहा है, चार्ज बढ़ेगा। सोचो कि पार्टिकल कोलाइडर पार्टिकल पॉजिटिव था, आपने इलेक्ट्रोलाइट्स डाले, नेगेटिव इलेक्ट्रोलाइट्स अब्जॉर्ब हो गए और उनके ऊपर चार्ज बढ़ा, चार्ज बढ़ने की वजह से पोटेंशियल भी बढ़ा। तो अब क्या होगा, जैसे पार्टिकल नजदीक आएगा पोटेंशियल ज्यादा है, दूर रिपेल कर जाएगा, ये दर्शाता है आपका पोटेंशियल मैक्सिमम। पोटेंशियल मैक्सिमम का मतलब है आपने इलेक्ट्रोलाइट्स डाला उनके ऊपर चार्ज है, जैसे कोलाइडल पार्टिकल इस डिस्टेंस पे आएगा, यहाँ पर ये जो डिस्टेंस है इस डिस्टेंस पे जैसे वो आएगा रिपेल होकर चला जाएगा, जैसे यहाँ नजदीक आएगा रिपेल हो जाएगा, इसी डिस्टेंस पर रिपल मैक्सिमम पोटेंशियल रिपल हो जाएगा, इस चीज को बोलते हैं पोटेंशियल मैक्सिमम। ये हमें कोलाइड्स में चाहिए क्योंकि हम चाहते हैं कि हमारे कोलाइड्स इंडिविजुअल पार्टिकल के जैसे रहे। अब नेक्स्ट देखते हैं, अगर कोई वजह से आप दोनों पार्टिकल को इतना क्लोज ला दिए कि उनके आर्बिटल ओवरलैप हो रहे, वो होगा यहाँ पर कोई वजह से जो विगर शेकिंग है उसकी वजह से आप पार्टिकल को इतना क्लोज लाएंगे कि वो पार्टिकल्स के आर्बिटल ओवरलैप हो जाएंगे, तो अट्रैक्टिव फोर्सेस बढ़ेगा और वो हार्ड केक फॉर्म होगा, एकदम अट्रैक्ट होकर हार्ड केक फॉर्म होगा। ये दर्शाता है आपका प्राइमरी मिनिमम। तो ये है डीएलपीओ थ्योरी का एक्सप्लेनेशन। मैं जस्ट समराइज करता हूँ, बोल क्या रहा है कि पहले आपके पास सच की दो पार्टिकल्स है, उनके नॉर्थ पोल और साउथ पोल है और आप उनको नजदीक ला रहे हो, तो जैसे मैग्नेट्स होते नॉर्थ पोल के नजदीक ला रहे हो तो रिपल्शन फोर्स बढ़ेगा, नॉर्थ पोल और साउथ पोल के नजदीक लाओगे तो अट्रैक्टिव फोर्सेस बढ़ेगा। अगर इन दोनों को ऐड करूं और केमिस्ट्री चेंज करूंगा तो मुझे थर्ड पीक आएगा, उसको बोलते हैं नेट एनर्जी पीक। इसमें मुझे तीन पॉइंट्स आएंगे, सेकेंडरी मिनिमम, पोटेंशियल मैक्सिमा एंड प्राइमरी मिनिमम। तो हम देखेंगे सेकेंडरी मिनिमम क्या है। अगर मैं इलेक्ट्रोलाइट्स कंट्रोल फैशन में डालूंगा तो वो इलेक्ट्रोलाइट्स आके इन दोनों पार्टिकल के बीच खुद भी अट्रैक्ट होंगे और दूसरों को भी अट्रैक्ट करेंगे और पूरा एक सिस्टम फॉर्म होगा, जैसे मैं उनको मूव करूंगा वो सिस्टम साथ में मूव होगा। एक्चुअली दो पार्टिकल्स नजदीक नहीं है, दूरी है, लूज एग्रीगेट्स बोलते हैं इसको, हम इसको बोलते हैं लूज एग्रीगेट्स, दूरी है, तो इसको बोलते हैं फ्लॉक्यूल्स। तो सिस्टम पूरा एक साथ मूव होने की कोशिश करेगा, उसको इस पीक में वो दर्शाया जाएगा सेकेंडरी मिनिमम के द्वारा। नेक्स्ट पोटेंशियल मैक्सिमम, तो मैंने सोचा कि अब नेक्स्ट दो पार्टिकल्स थे उसके ऊपर मैं इलेक्ट्रोलाइट्स डाल देगा, इलेक्ट्रोलाइट्स जाकर उन पर अब्जर्व हुए, ऐसे अब्जर्व हुए कि उनका पोटेंशियल बढ़ा, तो ऑब्वियसली क्या होगा, मैं जैसे नजदीक लाऊंगा उनको ये रिपेल करना शुरू करें, तो मैं चाहता हूँ कि मेरे कोलाइड्स रिपेल करें क्योंकि मैं चाहता हूँ कि वो इंडिविजुअल से करें, तो ये होगा आपको पोटेंशियल मैक्सिमम। नेक्स्ट, आप किसी वजह से उन पार्टिकल्स को इतना नजदीक ला दिए कि उनके ऑर्बिटल्स ओवरलैप हो गए सरफेस ऑर्बिटल, तो वो हार्ड केक फॉर्म होंगे, एकदम हार्ड केक फॉर्म होंगे, उसको बोलते हैं प्राइमरी। ये होता है आपका डीएलपीओ थ्योरी।
थैंक यू।